हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू केम सो माय नेम इज नीतिक गडवे। वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द एग्जांपल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स बी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। सेली ने 4 सैपलिंग्स लगाए। सैपलिंग्स यानी कि छोटे-छोटे प्लांट्स। सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। उसने 4 सेपलिंग्स लगाए इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेपलिंग इज 3/4। और जो 2 सेपलिंग थे उसके बीच का डिस्टेंस था 3/4। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सेपलिंग। तो फर्स्ट और लास्ट सेपलिंग के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो इसमें हम पहले डायग्राम बना लेते तो हमें ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कितने सेपलिंग्स लगाए? 4 सेपलिंग्स। तो यहाँ पर हमें से एक लाइन बनाते हैं, ये रो बना ली। This is our first sapling, second sapling, third sapling and fourth sapling. Okay, 4 saplings हमने यहाँ पर लगा दिए। And the distance between two adjacent sapling is 3/4. Adjacent का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा आने वाला। यानी कि इन दोनों के बीच का जो हमारे पास distance है वो क्या है? ये distance हमारे पास 3/4। तो यहाँ पर भी 3/4 ही होगा। सभी का डिस्टेंस सेम है, 3/4, 3/4। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सेपलिंग्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 3/4 + 3/4 + 3/4। पर इससे तो अच्छा है कि 3/4 कितनी बार? 1, 2, 3, तो मल्टीप्लाई कर दूँ, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ये 3 3 9/4। हम आंसर को ऐसे भी रख सकते हैं और इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होगा? 4 2 8 + 1 9 2 1/4 इज अवर आंसर। और आप 9/4 आंसर रखो तो भी सही है। तो एडजेसेंट सेपलिंग, सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना हमें मिला? 9/4 या फिर 2 1/4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट एग्जांपल। पर मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ तो आप इसका आंसर लिख सके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सके।